हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस एंड इट्स काइंड्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है टेंस एंड इट्स काइंड्स। हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट थर्ड में, जहां तक हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, सेकंड किया, आज थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यू टेंस। तो वर्तमान काल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके हम रूल्स जो हैं वो पढ़ेंगे। वर्तमान काल है क्या, इसके रूल्स क्या हैं। देखिए, वर्तमान काल में हमें क्या पता है कि हम देखते हैं कि जो वाक्य होते हैं, जो आपका सेंटेंस हो, उसके अंत में हमेशा ये वर्ड आएगा, रहा है, रहे हैं, रही है, या ऐसा लिखा जाता है कि ये चीजें जिसके एंड में रहा, रहे और रही, प्रेजेंट वक्त जो दौर चल रहा है उसके बारे में जब डिस्कस किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके लिए रूल क्या है, देखिए हर चीज का एक रूल होता है। जब आप टेंस के बारे में डिस्कस करोगे तो तुम्हें इनके रूल्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि रूल्स तुम्हें आते हैं तो प्रश्न करने का, क्वेश्चन को हल करने का आपको कोई परेशानी नहीं है। ये इसका दूसरा नाम भी है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, विकास ये प्रोग्रेसिव है, लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसके जो रूल्स हैं, क्या क्या इसमें यूज होता है, तो अभी हम सबसे पहले इसका एक हिंदी में छोटा सा अनुवाद करके रूल लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें रूल क्या है, जब हम किसी वाक्य को प्रेजेंट में लिखते हैं तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म में लिखने के लिए हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ एम लगाने के पश्चात पश्चात फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस प्रेडिकेट, आर यू कैन से ऑब्जेक्ट, या हम इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। परंतु फर्स्ट पर्सन प्लूर वी, सेकंड पर्सन यू और एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ
वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है, लगाया जाता है। इसके विपरीत जब थर्ड पर्सन की बात आती है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम इस का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर एक चीज की बात है तो उसके साथ हम इस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो इसका एक टेबल भी बना दिया जाएगा, उस टेबल के हिसाब से भी आप कर लेंगे, आपको इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ इज लगाने के बाद लगाकर लिख सकते हैं, इज लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। आप इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं हम। ठीक है, जैसे हम ऐसे चार्ट एक टेबल बनाते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट, और ये आएगा दे, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, सेकंड पर्सन होता है प्लूरल है, और ये थर्ड पर्सन भी प्लूरल है, इनके बहुवचन। ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। हमने क्या बताया, जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से करेंगे। मैं लिखे कि आई जो है सिंगुलर पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमेशा एम लगेगा, आई एम प्लस क्या बोला मैंने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ भी लगा लो, आई एम टेक लगाया मैंने, टेकिंग कर दिया, हमने वर्ब यूज किया टेक। ठीक है, प्लस आई एन जी करना है, तो ये ई कट जाएगा इसमें, तो क्या लिखेंगे फिर, जब ई काट देंगे तो हम इसको बना देंगे टेकिंग, क्या बना लेंगे टेकिंग, आई एम टेकिंग ए टेस्ट। ठीक है, इस तरह वी है, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर प्लस टेल होता बताना, टेलिंग ए टेल हमें कहानी सुना रहे हैं, यू प्लस आर यू आर प्लस यू आर राइटिंग ए स्टोरी, ही प्लस क्या लगे, इज ही इज ड्राइविंग ए कार, शी इज शीज जॉगिंग इन द हॉल, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग स्लाइटली, दे आर वॉचिंग मूवी। तो देखिए ये किस तरह से हमने जो ऊपर लिखा उसी ढंग से हमने इनके सबके सेंटेंस लिख दीजिए।
आपने इसी आधार के ऊपर जो सेंटेंसेस है उनको लिखना है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर आपने नेगेटिव में बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे? इन सब के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इनको नेगेटिव कैसे हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए हम इनके ऊपर लिखेंगे, हाँ। तो अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करते वक्त हमने इसका कैसे यूज करना है, ठीक है। तो नेगेटिव करने के लिए अब हम लिखते हैं रूल इसके लिए। फॉर चेंजिंग असर्टिव आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू नेगेटिव सेंटेंस यूज नॉट, यूज नॉट आफ्टर, यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स दैट इज बी, इनके बाद ना लगाइए, जैसे बी मीन इज एम आर, इन सब के बाद आप ना लगा दीजिए। देन देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखेंगे हम, ठीक है। अभी लिखेंगे इनकी एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको। जैसे आई एम नॉट रनिंग ए रेस, मैं एक दौड़ नहीं दौड़ रहा हूं, बन गया नेगेटिव। जैसे वी आर लगाएंगे है ना, वी के साथ सिंगुलर, जैसे जो भी है टेंस में इनके साथ लगाना, हमने इस किसके लगता है, मैंने बताया आपको आई के साथ हमेशा एम लगता है, वी प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा, यू के साथ भी आर लगेगा और दे के साथ भी आर लगेगा, बाकी ही शीट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ इज लगेगा। जैसे वी आर नॉट प्लेइंग कार्ड्स, यू आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन बिजनेस, ही इज नॉट, ही इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, शी इज नॉट केयरिंग हर चिल्ड्रन, इट इज नॉट ड्रिजलिंग, इट इज नॉट ड्रिजलिंग, दे आर नॉट गोइंग फॉर पिकनिक। तो ये जैसे ही हमने इनके नेगेटिव कैसे बना दिए हैं, सिर्फ हमने नॉट का प्रयोग किया। अब जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना है, हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब है बी इसको लगाएंगे, उसके बाद हम रेस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसी का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। देखिए ये जितना भी सेंटेंसेस हैं, जो भी टेंस हैं, ये सारे इसी पे आधारित हैं, हम कैसे इनको कर रहे हैं, कैसे करना है और इनका बनाना हमने क्या है ना। तो आपको
ये सब एग्जाम्पल साथ दी जाएगी, पूरा पूरा कर दिया जाएगा, आपको सिर्फ फॉलो करना है, एक बार पढ़ना है, बाकी आपको समय लग जाएगी, और आपने इन्हीं टेंस को आगे बढ़ाना है, इन्हीं को आगे लेके जाना है कि हमने करना क्या है, इसमें दिया क्या और करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसका बनाएंगे इंटरोगेटिव। फॉर चेंजिंग एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म यूज बी बिफोर द सब्जेक्ट सब्जेक्ट दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, क्या करना है, जब हम चेंज करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म के हैं, इनको हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे बिफोर द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, इससे पहले बी को लगाएंगे। बी में आता क्या है, बी मीन्स इज एम आर, ये जो इसमें प्रेजेंट में है, बी मीन्स इज एम आर, इसको क्या करेंगे हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन जैसे ये टू कंप्लीट द सेंटेंस, फिर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे हम, फॉर चेंजिंग एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म यूज बी बिफोर द सब्जेक्ट दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, बी का मतलब है इज एम आर, ये लगाइए पहले, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट एंड एंड में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये कृषि निशान क्वेश्चन चिन्ह प्रश्न चिन्ह लगाएंगे टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखिए ये जो सेंटेंस दिए हैं इसी को कैसे हमने करना है, और इसी के साथ आपका रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एम आई अटेंडिंग द ऑफिस, ठीक है, क्योंकि जो आई है उसके साथ क्या लगता है, ए लगता है, एम लगता है, इसलिए पहले एम को बाहर निकाल के साइन ऑफ इंटरक्शन लगा दिया। अब जब ये वी है प्लूरल है तो उसके अंदर आर वी वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर यू आर यू चीटिंग योर एल्डर्स, क्या तुम बड़ों को धोखा दे रहे हो। अब ही जो ही शीट है उसका इज लगता है, इजी मेकिंग फन ऑफ द क्लास, क्या वो क्लास का मजाक उड़ा रहा है। इशी
लर्निंग हर लेसन, इज इट इज द चाइल्ड कटिंग हिज कटिंग टीथ, देन आर दे मेकिंग नाइस इन द हॉल। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना। क्या बनाना? नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो आप देख लीजिए, जैसे लिखा मैंने एम आई अटेंडिंग, आई के बाद आप नाउन लगा दो, बस सब्जेक्ट के बाद नाउन लगा दो। ये तो पहले बाहर लगेंगे लगेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आप नाउन लगा देंगे। इसके लिए मैं लिखता नहीं हूं, सिंपल सा रूल बता देता हूं, है? तो इसके लिए हम सिंपल सा रूल बनाएंगे, ठीक है। फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस नॉट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, आफ्टर द सब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन एंड द वर्ब्स द ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर used before the subject, then first form of verb plus ing plus object, ठीक है। जैसे am I, इसमें सिर्फ क्या आएगा? not, बाकी लिखना ऐसे ही है। am I not attending the office? Are we not waiting for the principal of the institute? Are you not? फिर is he not? Is she not? Is the child not? Are they नाट? सब में आप देखोगे नाट लगेगा, ठीक है। और जब ये नाट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये जो आज का था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये हमने खत्म कर दी। कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रेगुलर तो नहीं है, बीच में ऑफ एंड ऑन क्लास चलेगी, ठीक है। लेकिन देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बात करना शुरू कर दिए हैं, तो डेली से हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा आपको लेसन देने की। और सबसे बड़ा मोटो ये है कि देखिए, जब तक तुम्हें ग्रामर का जो सारा एक जिस्ट आपके पास तैयार नहीं होता, तो देन इट इज वेरी हार्ड टू अकोमोडेट यूर सेल्फ इन इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश। तो मैं आइए सोच रहा था कि आपको मैं नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट समझा दूँ, फिर डायरी एंट्री का फॉर्मेट समझा दूँ साथ में, और राइटिंग पार्ट 30 से 30 मार्क्स का आना है, हर क्लास में आना है। तो क्यों नहीं हम इन चीजों को अकोमोडेट करें, जितना हो सकता है कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको ये समझा दिया जाए। तो इसके टेंस खत्म होते ही मैं आपका राइटिंग पार्ट ले लूंगा, तो तुम्हें एक एक चीज का हर एक फॉर्मेट जो है वो पूरे अच्छे ढंग से समझा दिया जाएगा, फिर आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली बच्चे कमिट करते हैं मिस्टेक्स के हाउ दीज थिंग्स आर रिटन ऑन द ओवर द लीफ, भाई पेपर पे हम कैसे लिखना है, कागज पे कैसे लिखना है, पूछा क्या जाता है, लिखा क्या जाता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है,
और ये जो आज का ये लेसन था, ये था मेरा प्रेजेंट कांटेक्ट टेंस, जिसकी चार किस्में हैं, चारों की चारों मैंने करा दी हैं। आप कर भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, देन नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, हर एक के बीच में आप देखोगे जितने भी टेंस लिखो उसमें ये आएगा ऐसा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड देन नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, तो ये इसी के आधार पे आपका ये जो लेसन है वो प्लान किए जाते हैं और स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, आई डू होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वन थिंग आई मे टेल यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। और वीडियो को, जब तक आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक नहीं देखोगे, बीच में छोड़ दोगे, तो आपको इसकी कोई समझ नहीं लगेगी। तो ये बात मैं कहना भूल गया। तो बेसिकली मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, ताकि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और एंड तक जाने से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जो फॉलोइंग वीडियो होगी उसमें क्या आएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पर मोस्टली ये क्लासेस के लिए, मैंने एक बात ऊपर शायद और लिखना भूल गया हूँ कि दिस इज फॉर ऑल क्लासेस, दिस इज फॉर ऑल क्लासेस, सब क्लासेस के लिए चल रहा है, कोई एक क्लास का नहीं है, ये टेंस जो है सब क्लासेस के लिए है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वंस अगेन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, ओके बाय।